हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 12, मजदूरी और प्रेम। इसमें हमने लेखक का परिचय पढ़ा था और साथ में हमने पढ़ा था इस पाठ का सारांश कि किस प्रकार से मजदूरी का महत्व है और मजदूरी सिर्फ पैसों के माध्यम से ही नहीं दी जा सकती, बल्कि प्रेम और सम्मान करके भी किसी व्यक्ति विशेष की मजदूरी चुकाई जा सकती है। यानी कि तो मज़दूर को इसमें सरदार पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह जो राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि उसको बड़े ही आदर और सत्कार की दृष्टि से हमें देखना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं जो कठोर श्रम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं तथा सजनता और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ तक हमने पाठ के सारांश रूप में इसको पढ़ लिया था। तो आगे हम पढ़ते हैं लेसन मजदूरी और प्रेम। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, हल चलाने वाले का जीवन। यानी कि हल चलाने वाला है जो खेतों वगैरह में हल चलाता है, किसान भी कह सकते हैं जैसे, तो उसका किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार वह अपने जीवन को व्यतीत करता है और किस प्रकार वह हमें प्रेरित भी करता है। तो हल चलाने वाले का जीवन हम पढ़ेंगे। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले, जिसको गवाला वगैरह, ग्वालिया वगैरह भी कह सकते हैं हम, और हल चलाने वाला और भेड़ चराने वाला, रेवड़ चराने वाला, प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं, सज्जन होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, यानी कि जब वो मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने शरीर का हवन कर रहे हैं, अर्थात अपने शरीर को और ज़्यादा शुद्ध तरोताज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उनकी मेहनत को देखकर ऐसा हमें लगता है। खेत उनकी हवनशाला है और उनकी हवनशाला क्या है, खेत। खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, उनके हवन कुंड की जो ज्वाला की किरणें हैं, जो लपटें हैं अग्नि की, वो चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। वो चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी है। यानी कि किसान किस प्रकार से मेहनत करता है, किस प्रकार, कौन सी फसल या कौन सा अनाज या कौन से दाने किसका प्रतिरूप हैं, उसी का वर्णन किया है। जैसे उसने कहा, जो चावल हैं वो ज्वाला की किरणें
और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं, और किस प्रकार गेहूं के लाल लाल जो दाने हैं इस अग्नि की, इस आग की चिंगारियों की डालियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं, और मैं जब कभी अनार के फल और फूल देखता हूं, तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है, उसका खून, उसका रक्त, उसका लहू याद आ जाता है, उसकी मेहनत के कण ज़मीन में गिरकर उगे हैं और इस बात की याद करवाते हैं कि उसकी मेहनत का एक एक कण, उसके पसीने की एक एक बूंद जो इस ज़मीन पे गिरी है, वो सब उगे हुए हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से, और हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नज़र आ रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, यानी कि अनाज हैं जो, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार हवन कुंड में हम आहुति देते हैं, उसी प्रकार लेखक को, सरदार पूरण सिंह को, अध्यापक पूरण सिंह को, किसान अन्न में, फल में, फूल में आहुति देता हुआ सा दिखाई प्रतीत होता है या दिखाई देता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है, ब्रह्मा की आहुति से इस संसार की रचना हुई है, अर्थात ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, अर्थात इंसान को बनाया है, मानव को बनाया है। अन्न पैदा करने में भी किसान भी ब्रह्मा के समान है। अन्न पैदा करने में किसान भी क्या है, भी किसके समान है, किसके इक्वल है, ब्रह्मा के समान है, ईश्वर के समान है। खेती उसके ईश्वरी प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। क्या कह रहा है? उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूलों में, फलों में, यानी कि कोई भी चीज़ वो किसान देखता है, कोई भी चीज़ वो देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि किसान का जो पूरा जीवन है प्रत्येक पत्ते में, फूल में और फलों में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन या साइलेंट या मूक जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश, यानी कि ये पंच तत्व हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारी काया की रचना होती है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता, यानी कि हमारे शरीर की निरोगता इसी के हिस्से में है, इसी के बंटवारे में आई। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते, यानी कि किसान है वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जप तप भी इसे नहीं आते, और जो शाम के समय आरतियाँ वगैरह, वंदना वगैरह होती हैं, विशेष पूजा अर्चनाएँ होती हैं, वो उनको नहीं आते। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है, उस भूख का उपाय कर लेता है, अर्थात अपनी भूख को शांत कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से अपनी प्यास बुझा लेता है,
ये ठंडे चश्मों यानी कि पानी वगैरह की बात करता है, झरनों वगैरह की बात करता है, और इन्हीं के ठंडे जल से, इन्हीं के शीतल जल से, इतनी ही इनके पवित्र जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है, अर्थात अपने आप को इन सब नदियों झरनों का पानी पी के ये अपने आप को बड़ा ही आनंदित महसूस करता है, अर्थात आनंद मगन रहता है। प्रातःकाल उठता है, उठकर यह अपने बहल बैलों को नमस्कार करता है, यानी कि किसान जब प्रातःकाल उठता है तो सबसे पहले वो धरती माता को प्रणाम करता है, ऐसा किसानों का नियम है, और फिर उठ के अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है, उनको उनकी वंदना करता है और हल जोतने चल देता है, और उसके पश्चात वह अपने हलों को और बैलों को लेकर खेतों की ओर चल देता है और वहां जाके हल जोतता है ज़मीन को जोतता है। आगे है दोपहर की धूप, इसे भाती है यानी कि दोपहर का समय है, सूर्य जब पूर्ण शिखर पे होता है तो उस समय की जो बेला है, उस समय का जो समय है उसे अच्छा लगता है, भाती है यानी कि धूप इसे अच्छी लगती है। प्रातःकाल उठकर ये तो पढ़ लिया हमने, हाँ, इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं, और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात, और इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये मिट्टी में ही खेल खेल कर कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी के अंदर बड़े ही चाव से खेलते हैं और बड़े ही आनंदित होते हैं। इसको और इसके परिवार को बेल और गांवों से प्रेम है, इसको और इसके परिवार को बेलों से और गांवों से क्या है, प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है, पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यानी कि इसको और इसके परिवार को बेल और गांवों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, शुश्रूषा तो नहीं कह सकते फिर भी सेवा करता है, पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ यानी कि आसमान की ओर देखता है, उसके दर्शनों के अर्थ के लिए, उसके दर्शनों के लिए आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं, और आंखों को नीले आकाशमान की ओर अर्थात उससे भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है बारिश के लिए। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है और आंखों ही आंखों के इशारों में उस भगवान से, उस ईश्वर से, अपने इष्टदेव से प्रार्थना करता है, इसके लिए बारिश के लिए, ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके और अपार जो जनधन है उसको अनाज की पूर्ति हो सके। साय और प्रातः, शाम को और सुबह, दिन और रात विधाता, विधाता ईश्वर, भगवान, गॉड, रब, अल्लाह, वाहेगुरु, कर्ता और कुछ भी, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वृष्टि का मतलब होता है इतने भर देता है जरूरत से ज़्यादा। कौन सी चीज़ें विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय यानी कि चिंता नहीं करनी, और अद्भुत आध्यात्मिक भाव, अद्भुत विशेष आश्चर्यजनक आध्यात्मिक धार्मिक भावों की वृष्टि करता है, बारिश करता है, बौछार करता है।
यदि कोई इसके घर आ जाता है, यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उनको मृदु वचन यानी कि मीठे वचन, बड़ी ही शालीन भाषा का प्रयोग करता है, बड़ी ही इज्जत देता है, आवभगत करता है उसकी। मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है, तृप्त करना, संतुष्ट करना, आनंदित करता है। यानी कि कोई भी अगर इसके घर आता है तो अपने वे मीठे वचनों से, मीठे जल से और अन्न से, अनाज से, विभिन्न प्रकार के पकवानों से उसे तृप्त करता है, आनंदित करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, अनपढ़ है, निरक्षर है, विभिन्न प्रकार के भजन आदि नहीं जानता, उसके बावजूद भी धोखा यह किसी को नहीं देता, किसी के साथ छल नहीं करता, किसी के साथ कपट नहीं करता, किसी के साथ धोखा नहीं करता, बड़ा ईमानदार है। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता। यदि किसान को कोई धोखा दे भी दे तो वह उसको ज़्यादा गंभीरता से लेता ही नहीं है, क्योंकि कहने का भाव यह है कि चोर को चोर दिखाई देते हैं, परंतु ये तो स्वभाव से कैसा है, साधु है, सज्जन है, इसलिए इसे कोई भी चोर दिखाई नहीं देता, कोई भी धोखेबाज दिखाई नहीं देता। तो इसको यदि कोई इसको धोखा दे भी दे तो इसका उसको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है, किस प्रकार से लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। क्या कहा है, इसकी खेती हरी भरी है, बड़ी पुष्पित और पल्लवित हो रही है, बड़ा ही आनंद मगन है, इसके घर में एक गाय है वो दूध देती है, पूरा परिवार दूध पीता है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, इसका कहना मानने वाली है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, जो इसके मकान वगैरह हैं वो पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है, क्या अपने आप के अध्याय से अपने आप को तपाने से कम है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। दया की भावना, वीरता और प्रेम रूपी जो भावना है, जो इन किसानों में देखी जाती है, इस प्रकार की भावनाएं अन्यत्र किसी अन्य में मिलना, किसान के अलावा किसी अन्य में मिलना मुश्किल है, नहीं मिलती। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, यानी कि जो भोले होते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं ना, भोले का भगवान होता है, तो वही बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं यहाँ, भोले भाव मिले रघुराई, जो भोले भाले होते हैं उन्हीं भावों से रघुराई अर्थात राम की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, अर्थात दर्शन देता है अपने, उनकी फूस की छतों में से, यानी कि घास फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, जवान सज्जन हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, बिना ताज के गोपालों के, गायों को पालने वालों के यानी कि पशुओं को पालने वालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है, अपने आप को मैं बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ कि किस प्रकार ये एक सच्चे फकीर हैं। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर पर, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौवों का मित्र यानी गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज,
महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान, पुष्प प्लस उद्यान यानी कि पुष्प रूपी जो बाग है उसका माली, और खेतों का वाली, खेतों का मालिक वारिस जा रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि लेखक के अनुसार जो किसान का जीवन है वह बड़ा ही आनंदित जीवन है, वह बहुत ही मेहनती है और वह बहुत ही सज्जन स्वभाव का है और बड़े ही आनंदपूर्वक वह अपने जीवन का यापन करता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।